जिक्र किया था कि गिटहब की इम्पोर्टेंस वगैरह क्या चीज़ है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि अपने कंप्यूटर से शुरू किया था, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार शायद ना ये वाला तरीका थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि अपने कंप्यूटर से शुरू करें, तो अब हम उसको गिटहब से शुरू करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा हम अपोजिट काम करते हैं, और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा ईजी रहेगा, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, तो हम रिपोजिटरी में गए, ठीक है, और रिपोजिटरी में जाके हम यहाँ पे न्यू का जो बटन बना हुआ आ रहा है छोटा सा, ये मैंने न्यू का बटन दबा के ना एक नई रिपोजिटरी बना ली। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, ये क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऐसा लिखा हुआ गया। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कोई भी रिपोजिटरी बना लेते हैं हम, ASF किसी भी नाम से बना सकते हैं, सेक्शन और बी, सही है। अच्छा, सेक्शन बी हो गया। उसके बाद अगली बात मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, तो मैंने कहा जी पब्लिक रखना है इसको, अभी आप जितनी भी रिपॉजिटरीज बनाएंगे वो सारी पब्लिक होगी, क्योंकि हमने क्या करना है, ये दिखाना है लोगों को। ठीक है, लोगों से पब्लिकली शेयर करना है, जब ही सब लोग आप सोशल मीडिया पे भी लिंक इसका डालेंगे कि यार मैंने ये काम किया, तो सब लोगों को नज़र आएगा, पब्लिक रखना उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, बाकी की सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पे ही रखेंगे, इसको फ़िलहाल के लिए चेंज नहीं करेंगे हम, और नीचे जो लास्ट में बटन आ रहा है क्रिएट रिपॉजिटरी का, ये बटन हम प्रेस कर देंगे। ये सेम नेम अगर सब रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्त ने सवाल किया कि अगर यही सेम नेम सब लोग रख लें अपने पास तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, उसका जवाब है नहीं। वो रीज़न ये है कि मेरे प्रोफाइल के अंदर ना ये नेम यूनिक है, अगर मैंने मेरी प्रोफाइल में ये नाम दो दफ़ा रख दिया तो वो एरर दे देगा फिर। ठीक है, क्योंकि इस रिपॉजिटरी का अगर आप नाम देखेंगे ना यहाँ पे, तो पहले मेरा नाम है, मेरे अकाउंट का नाम है स्लैश और फिर रिपॉजिटरी का नाम है। ठीक है, तो जब अगर आपने सेम नाम ये वाला रख दिया तो क्या होगा कि आपके अकाउंट के नाम के साथ ये ऐड होगा। ठीक है, तो इसलिए यही सेम नाम सब लोग रख सकते हैं। वेल, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये वाला नाम रखें, आप उसका नाम कुछ रखें कि फ़र्स्ट रिपॉजिटरी या कुछ माई फर्स्ट रिपॉजिटरी, हेलो वर्ल्ड, इस तरह का कोई नाम आप फ़िलहाल रखें। ठीक है, और ये मेरी रिपॉजिटरी क्या हो गई है, बन के तैयार हो गई है यहाँ पर। अच्छा, रिपॉजिटरी बन के तैयार हो गई है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही हैं कि अब इस रिपॉजिटरी के साथ आगे करना क्या है। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये URL इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये URL है जो शुरू हो रहा है HTTPS से और ख़त्म हो रहा है ये .git पे। ठीक है जी, अच्छा, शुरू में अगर इसके HTTPS नहीं लिखा हुआ रहा है ना, तो आप यहाँ पे HTTPS पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एक URL SSH वाला भी होता है। ठीक है, SSH को डील करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, तो हम फिलहाल HTTPS वाले पे काम कर रहे हैं। ठीक है, HTTPS पे क्लिक किया मैंने और इस URL को क्या कर दिया, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया मैंने। अच्छा, इस URL को कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस रिपॉजिटरी को मैंने क्लोन करना है, अपनी मशीन में क्लोन करके लेकर आना है। ठीक है, अपनी मशीन में क्लोन करके लाने के बाद का स्टेप जो है वो, मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जाके ये क्लास करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मेरे पास। ठीक है, क्लास करके एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें तमाम क्लासेस की रिपॉजिटरी यहाँ पे मेरे सेव है। अच्छा, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन करूँगा, ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अच्छा, टर्मिनल विंडोज़ में और लिनक्स में और मैक में कैसे ओपन होता है, लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं वैसे दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ इसको, कि आप अगर लिनक्स या मैक पे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, टर्मिनल ऐसे ओपन किया, बाय डिफ़ॉल्ट जब टर्मिनल ओपन होता है तो ये होम डायरेक्टरी पे होता है, ये अलिफ मद्दा का मतलब है होम डायरेक्टरी। ठीक है, अच्छा ये, लेकिन लिनक्स और मैक पे, विंडोज़ पे थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है कि वो सी ड्राइव पे ओपन होता है। अच्छा, तो पहले हम ये वाला देख लेते हैं लिनक्स और मैक का क्या चक्कर है। इसमें मैं लिखूंगा सी डी स्पेस, और जो भी फोल्डर मुझे चाहिए होगा ना, जैसे कि क्लास का फोल्डर है, इसमें मुझे जाना है, तो इसको मैं ऐसे ऐसे लाके यहाँ छोड़ दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये आप देखें, अब कहाँ आ गया, ये पहले अलिफ मदा में था, ये अभी क्लास में आ गया, इस फोल्डर में आ गया। और यहाँ पे आके मैंने क्या कमांड चलानी है, जो भी मैंने कमांड चलानी है वो इधर चलानी है। अच्छा, विंडोज़ में ये काम हम कैसे करते थे, फाइल एक्सप्लोरर, क्योंकि मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है, तो मैं ज़रा इमेज के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा आपको। अच्छा, ये जी कुछ इस तरह का आपके पास फाइल एक्सप्लोरर आ रहा होता है विंडोज़ में, तो ये जहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है ना एड्रेस बार, ये एड्रेस बार, ये पूरी पट्टी है ये शुरू से लेके आखिर तक। अच्छा, तो जिस फोल्डर में भी आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है,
उस फोल्डर में जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एड्रेस बार पे, और पहले से जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको आप रिमूव करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे CMD और एंटर कर देंगे आप, ठीक है। CMD लिखने के बाद एंटर जब आप करेंगे तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, सही है, होता है टर्मिनल ही है वो, लेकिन विंडोज़ में उसका एक नाम रखा हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और वो सी ड्राइव में नहीं होगा बल्कि वो उस फोल्डर में होगा जहाँ पे आप खड़े हैं। अच्छा, तो विंडोज़ में, लिनक्स में और मैक में, तीनों में ये टर्मिनल हमने एक फोल्डर में खोल लिया। इस फोल्डर में टर्मिनल खोलने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे गिट क्लोन और वो URL जो हमने कॉपी किया था, जो अभी अभी हमने गिट की एक नई रिपोजिटरी बनाई है ना, उसका URL है, ठीक है। अच्छा, आप URL का जो इसके आप फॉर्मेट देखें, https github.com, उसके बाद मेरा यूज़र नेम और उसके बाद ये रिपोजिटरी का नाम, ठीक है, तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। और ये मैंने क्या कमांड लिखी है, गिट क्लोन और मेरा URL, और ये कमांड लिख के मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप यहाँ देखें बैकग्राउंड में मेरे पास ये फोल्डर जो दिख रहा है ना, सेक्शन बी के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ गया जो पहले मौजूद नहीं था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या बात लिखी हुई आ गई, जैसे ही मैंने ये कमांड चलाया ना तो क्या लिखा हुआ आ गया, क्लोनिंग इनटू ASF सेक्शन बी, जो भी मेरा नाम था वो लिखा हुआ आ गया कि भाई ये रिपोजिटरी को इस नाम से फोल्डर बना के उसमें किया जा रहा है क्लोन। अच्छा, वार्निंग एक दी है इसने कि यू अपीयर टू हैव क्लोन्ड एन एम्प्टी रिपोजिटरी, क्योंकि मैंने जो रिपोजिटरी बनाई है github.com पे और जिस रिपोजिटरी को मैं क्लोन कर रहा हूँ वो एक एम्प्टी रिपोजिटरी है, ठीक है, उसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो ये बस बता रहा है कि भाई ये खाली है वो। अच्छा, ये वाली कमांड जब आप चलाएंगे पहली दफ़ा तो आपके पास ये एरर दे देगा अगर आपके पास गिट इंस्टॉल नहीं है तो, ठीक है। एक तो गिट हब है जो क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन कह लें उसको, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह लें, वो क्लाउड बेस है, उस पर आप साइन अप करते हैं, लॉग इन करते हैं और वहाँ पे आप करते हैं, तो एक तो वो है। लेकिन एक छोटा सा सॉफ्टवेयर और भी है जिसको हम कहते हैं गिट, गिट हब नहीं है ये गिट है, सही है। सिर्फ गिट लिखेंगे आप और एंटर करेंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा रिजल्ट में ना, पहला ही रिजल्ट आ जाएगा गिट SCM करके, इसके अंदर आप चले जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो ये डाउनलोड फॉर मैक लिखा हुआ आ रहा है, आपके केस में ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ होगा, या नीचे ये भी आ रहा है विंडोज़ बिल्ड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके ये 64-bit जो विंडोज़ लिखा हुआ है ये आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, जिसको आप डाउनलोड करेंगे ना, जैसे ही 64-bit जो लिखा हुआ है तो एक exe फाइल डाउनलोड होगी, आपने नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना है उसको, अंदर जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन वो बता रहा होगा उसको आपने चेंज नहीं करना, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे ही आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके पूरा उसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है जी। वो इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, सम टाइम विंडोज़ कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो सम टाइम बगैर रीस्टार्ट किए भी हो जाता है। अच्छा, तो जब गिट सही तरह से इंस्टॉल हो जाएगा तो उसकी पहचान क्या है, मैं अपनी स्क्रीन ज़रा क्लियर करता हूँ, क्लियर की मैंने स्क्रीन अपनी। अच्छा, गिट अगर सही तरह से इंस्टॉल हो गया ना तो आपके पास वो एक तो एरर नहीं देगा क्लोन करने पे, दूसरा आप उसका वर्जन ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये मैंने क्या कमांड लिखी है, गिट स्पेस --version, ये मैंने कमांड लिखी है, एंटर किया मैंने तो ये आप देखें बता रहा है कि मेरे पास ना गिट का वर्जन जो अभी इंस्टॉल है वो 2.39.1 है, आपके केस में जो भी आपने किया होगा इंस्टॉल वर्जन वो आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये इसका मतलब है कि गिट सही तरह से इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अगर मैं गिट की जगह कोई और लिखूं, जैसे मैं लिखूं कि विट लिख दूं अगर मैं, ठीक है, --version, तो अब ये देखें मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, तो मैक में और लिनक्स में कमांड नॉट फाउंड बोलता है ये, और विंडोज़ के अंदर कहता है कि नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इस तरह करके लिखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इंस्टॉल, तो विट के नाम से मेरे पास ऑब्वियसली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए ये मुझे कह रहा है कि भाई नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा, अब मेरे पास क्या हो चुका है, एक अदद एम्प्टी रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है। देखने में वैसे तो अगर मैं फोल्डर में जाके देखूँ ना, सेक्शन बी ये लिखा हुआ आ रहा है, जो इट इज़ जस्ट लाइक अ फोल्डर, फोल्डर ही दिख रहा है, ये फोल्डर ही है ये ऑब्वियसली, लेकिन ये एक आम फोल्डर नहीं है। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखें छोटा सा यहाँ पे ना डॉट गिट का एक फोल्डर बना हुआ होता है, इससे आप समझ जाएंगे कि ये एक नॉर्मल फोल्डर नहीं है, जिस फोल्डर में भी ये डॉट गिट आ रहा होगा इसका मतलब है कि ये गिट की रिपोजिटरी है, ये एक आम फोल्डर नहीं है, ये कोई नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये गिट की रिपोजिटरी है, ठीक है ना जी। अच्छा, तो अच्छा दूसरी बात ये कि इस गिट को आपने चेंज नहीं करना अपने हाथ से जाके, राइट,
इसके आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। आप इवन के इसको खोलेंगे ना तो कुछ अंदर चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे ना, कुछ यहाँ पे फोल्डर्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको, फाइल्स दिख रही होंगी, बट इन फाइल्स को आपने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इस गिट के फोल्डर को जो हमारा CLI टूल जो हमने इंस्टॉल किया ना गिट, वो इसको हैंडल करता है, और वो कैसे करता है वो उसका मसला है, हमने इसको छेड़ना नहीं है। अच्छा, अब अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने ये करना है कि मैं CD करके जो मैंने अभी अभी फोल्डर क्लोन किया ना उसमें चला जाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अभी क्लास वाले फोल्डर में मौजूद हूँ, राइट, यहाँ पे क्लास लिखा हुआ आ रहा है। अब मैंने CD करके ना इस सेक्शन B वाले फोल्डर में जाना है, मैंने कहा CD और AS, ठीक है, दो कैरेक्टर लिख दें आप शुरू के, उसके बाद टैब दबाएं आप। अच्छा, ये टैब दबाने से ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। तो अब ASF सेक्शन तक तो समझ आ गया उसको, लेकिन सेक्शन के बाद एक में A है एक में B है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, B लिख दूंगा, ठीक है, और टैब दोबारा दबा के मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। आप हाथ से भी चाहें तो पूरा नाम लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा लिख के उसको टैब दबा दें, उससे टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। अच्छा, अब आप देखें कि मैं कौन से फोल्डर में आ चुका हूँ, ASF सेक्शन B के मैं फोल्डर में आ चुका हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस फोल्डर में आने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक छोटी सी फाइल बनानी है, ठीक है। ये रिपोजिटरी, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने अपने कंप्यूटर में फोल्डर बना के गिट इनिट किया था, और यहाँ से शुरू की थी कहानी, और फिर हमने कहा था कि इसको भेज देंगे गिटहब में। अभी हमने क्या किया, गिटहब से बना के शुरू किया, गिटहब में रिपोजिटरी बनाई है, उसको क्लोन करके मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ। अब यहाँ लाने के बाद मैंने क्या करना है, उस रिपोजिटरी इज़ जस्ट लाइक फोल्डर, मगर क्योंकि रिपोजिटरी उसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। तो हम क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हैं अब सब लोग, तो हम टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम उसको फोल्डर नहीं बोलेंगे, हम उसको रिपोजिटरी बोलेंगे। अच्छा, तो वो रिपोजिटरी मैंने क्लोन करके यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। अब उस रिपोजिटरी में मैंने कोई फाइल ऐड करनी है, कोई चेंजेस करनी है, उसके बाद उस चेंजेस को वापस गिटहब में भेजना है, ये आज हमने करना है, और ये आप सब लोगों ने भी करना है फिर। अच्छा, लेकिन फाइल बनाने के लिए ना, जाहिर है मुझे, वैसे तो मैं राइट क्लिक करके भी बना सकता हूँ, लेकिन फाइल बनाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं ओपन करूँगा VS कोड के एडिटर में। अच्छा, तो उसके लिए मैं इस फोल्डर के अंदर आके लिखूँगा यहाँ पे कोड स्पेस डॉट, और एंटर कर दूँगा, ठीक है। अभी मैंने एंटर नहीं किया। अच्छा, ये कमांड भी जब आप चलाएंगे पहली दफ़ा तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है, अगर आपके पास VS कोड का एडिटर इंस्टॉल नहीं है तो ये आपको एरर दे देगा। अच्छा, VS कोड का एडिटर इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, VS कोड जाएंगे, ठीक है, गूगल पे जाके मैंने VS कोड लिखा यहाँ पे, और VS कोड लिखते ही मेरे पास ये पहला रिजल्ट आ गया। अच्छा, एक सिर्फ विजुअल स्टूडियो है, वो पर्पल कलर का आ रहा होता है उसका, वो नहीं इंस्टॉल करना आपने, एक तो सिर्फ VS है विजुअल स्टूडियो, वो कुछ इस तरह का दिखता है पर्पल कलर का, और ये होता भी बहुत, मतलब 12-15 GB का होता है, पता नहीं। तो हमने करना है VS कोड। VS कोड इज़ जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर, बहुत लाइट वेट है, छोटा मोटा सा है। इसके अंदर गया मैं, मेरे पास लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर यूनिवर्सल मैक, आपके पास अगर विंडोज़ पे हैं आप तो लिखा हुआ है कि डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर लिनक्स पे हैं तो लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर लिनक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप एडिशनली जा भी सकते हैं अदर प्लेटफॉर्म करके ना, यहाँ पे ये तीनों प्लेटफॉर्म के लिए जो जो अवेलेबल यहाँ पे है ना फाइल्स, वो सारी आ रही हैं। तो अगर तो वो डायरेक्ट बटन समटाइम बना हुआ नहीं आता या कोई प्रॉब्लम होती है अगर, तो आपने क्या करना है, ये जो इंस्टॉलर आपने डाउनलोड करना है 64-bit वाला, ये जो X64 लिखा हुआ है ना, ये वाला आपने डाउनलोड करना है, राइट। बाई द वे इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 64-bit ही डाउनलोड होता है, लेकिन हाँ, यूज़र इंस्टॉलर। अब ये, अब ये वाला ऑप्शन ना, बाई द वे मैं पहली बार देख रहा हूँ इसमें कि यूज़र इंस्टॉलर और सिस्टम इंस्टॉलर, ये आई थिंक यूज़र इंस्टॉलर जो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेल, आपको वो उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, होपफुली यहीं से बटन दबाएंगे ना तो वो डाउनलोड हो जाएगा, दैट्स इट, जो डिफ़ॉल्ट होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, वो एक एग्जी फाइल डाउनलोड होगी, उसको आपने डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ना आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा आइकन, ठीक है ना, VS कोड का बना हुआ। अच्छा, लेकिन आपने इसको डबल क्लिक करके भी आप खोल सकते हैं, अभी देखें मैंने क्लिक किया ये ओपन हो गया, लेकिन आपने इस तरह नहीं खोलना इसको, ठीक है। इस तरह खोलने से क्या होगा, वो फिर वो एम्प्टी खुल जाता है, फिर वो उसको पता नहीं चलता कि क्या एडिट करना है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी रिपोजिटरी वाले फोल्डर में आके लिखना है कोड स्पेस डॉट। अच्छा, इस कमांड में मैं क्या कह रहा हूँ, इस कमांड में मैं कह रहा हूँ कि VS कोड को ओपन किया जाए, और डॉट का मतलब होता है इस फोल्डर के साथ ओपन किया जाए। अच्छा, तो जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देखें VS कोड ओपन हुआ है इसमें। अच्छा, लेकिन जब ओपन हुआ है ये, तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
ASF सेक्शन बी, वो फोल्डर खुल गया है ऑटोमेटिकली इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये फोल्डर खुल गया है ना, तो यहाँ पे देखें छोटे छोटे तीन बटन आ रहे हैं, अगर मैं जूम इन करूँ उसको थोड़ा सा, ये वाला जो बटन है ना, इसका इसका नाम है क्रिएट न्यू फाइल। अच्छा, वैसे मैं राइट क्लिक करके भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकता था, बट आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वे, क्योंकि अब हम रेगुलरली इस टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट की, एचटीएमएल की कोडिंग लिखने के लिए, और फिर अल्टीमेटली हम सारा का सारा काम इससे कर रहे होंगे। अच्छा, ये टेक्स्ट एडिटर ज़रूरी नहीं है कि आप वीएस कोड इस्तेमाल करें, ये काम नोटपैड पे भी इसी तरह हो सकता है। राइट क्लिक करेंगे, आप न्यू फाइल बना देंगे रिपोजिटरी में, नोटपैड पे आप फाइल बना देंगे, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। वीएस कोड जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है, बट इसमें थोड़ी बहुत एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं जो कोड लिखते हुए आपको हेल्प आउट कर देती हैं। अगर वीएस कोड के अलावा आपका कोई और दूसरा टेक्स्ट एडिटर फेवरेट है पहले से, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, तो मैंने न्यू फाइल का बटन दबाया, कह रहा है भाई फाइल का नाम बता दो, मैंने कहा कि माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, मैंने एक फाइल का नाम लिख दिया, साथ में डॉट टी एक्स टी का मतलब है कि ये टेक्स्ट फाइल है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे MP3 लगा दूंगा ना, तो देखें ऑटोमेटिकली स्पीकर भी बना हुआ आ गया, और ये मैं किसी फाइल कहीं भेजूंगा ना, तो वो डबल क्लिक करने पे म्यूज़िक प्लेयर के साथ ओपन होने की कोशिश करेगा। तो मैं इसको डॉट टी एक्स टी इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं ये फाइल कल को कहीं और भी भेजूँ किसी को, तो उसको देख के समझ जाए वो, और कंप्यूटर भी समझ जाए ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एडिटर के साथ खुलने की करे वो ना। अच्छा, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे ये नाम लिख के, एंटर करते ये फाइल क्या हो गई, प्रॉपरली ये बन के सेटमेंट हो गई, और यहाँ पे अभी कोई फिलहाल इसमें टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैंने कहा कि दिस इज सम टेक्स्ट इन माय न्यू फाइल। अच्छा, जब मैं लिख रहा हूँ ना, आप देखें यहाँ पे छोटा सा एक बबल बना हुआ आ रहा है इस जगह पे। अच्छा, जैसे ही मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा ना, ये बबल गायब हो गया। ये बबल इंडिकेट करता है कि आपकी फाइल इस वक्त सेव नहीं हुई हुई है। देखिए, मैं मजीद कुछ फुल स्टॉप लगाया, मैंने वो बबल दोबारा आ गया, इसको मैंने कंट्रोल एस किया, वो बबल गायब हो गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिगनर्स काफ़ी ये वाली मिस्टेक करते हैं कि वो कोड लिखते हैं, फिर वो चल नहीं रहता, तो पता चलता है अच्छा ये तो सेव नहीं था, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर ये सेव नहीं है और आपने आगे का स्टेप कर दिया, तो फिर होगा क्या कि क्योंकि फाइल में तो वो पहुंची नहीं है चीज़, तो एम्प्टी फाइल पुश हो जाती है, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने जो भी बात लिखी है उस फाइल में, उसके बाद आपने कंट्रोल एस प्रेस किया है और वो बबल जो इंडिकेटर है वो बता रहा है कि हाँ भाई मैं सेव हूँ या नहीं हूँ, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी फाइल सेव हो, दैट्स इट। अच्छा, तो इस पॉइंट पे मेरे पास एक अदद ये फाइल बन के रेडी हो चुकी है, मैं फाइल को सेव भी कर चुका हूँ। अब मैंने ये चेंजेस तो कर दिए अपनी रिपॉजिटरी में, इसको मैंने github.com पे पुश करना है वापस। अच्छा, तो पुश करने के लिए मैं क्या कमांड लिखूंगा, सबसे पहले मैं कमांड लिखूंगा git add asterisk, ये सबसे पहली कमांड मैं लिखूंगा, ठीक है। ये कमांड मैं कहाँ आके लिखूंगा, मैं कमांड लिखूंगा ये वाली इस टर्मिनल में आके, इस फोल्डर के अंदर रहते हुए मैं ये कमांड लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं इस फोल्डर के अलावा कहीं पे भी ये कमांड चलाऊंगा, तो ये उस तरह से काम नहीं करेगी और इसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी रिपॉजिटरी को पुश करना है और क्या करना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ git add asterisk, एंटर। अच्छा, जैसा कि मैंने लास्ट में वो जिक्र किया था, एक आर्टिकल भी आपसे शेयर किया था, जो वो आर्टिकल भी ज़रा एक नज़र मार लेते हैं उस पर खोल के। अच्छा, इस आर्टिकल में इन्होंने बताया था कि ये तीन इसके स्टेजेस होते हैं फाइल के। तो जब फौरन मैंने नई फाइल बनाई ना, तो वो वर्किंग डायरेक्टरी स्टेट में होता है। अच्छा, अब मैंने ऐड की जो कमांड यहाँ पे चलाई, देखें ऐड कह रहा है, ऐड की कमांड चलाने से ना ये इंडेक्सिंग में या स्टेजिंग फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कमिट की कमांड चलाने से ये हेड में चला जाता है। तो ये तीन इसकी स्टेजेस होती हैं। अब इसको ज़्यादा मतलब अपने ऊपर सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि तीन स्टेट्स क्या होती हैं। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, हमें उस पर रहना है कि हमें इस चेंजेस को github.com तक पहुंचाना है फिलहाल के लिए। तो बजाय ज़्यादा फर्दर डिटेल में जाए हुए, हम ये कमांड रन करते हैं। अच्छा, अगली कमांड मैंने चलानी है git commit minus m, और उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक मैसेज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, डबल कोटेशन ओपन और डबल कोटेशन क्लोज और दरमियान में एक मैसेज। अच्छा, इस मैसेज में आमतौर पे हम क्या लिखते हैं कि अभी मैंने जो भी काम किया है, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया था पहले कि गिट में हम क्या कर रहे होते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, एक फीचर कंप्लीट हुआ उसको हम भेज देते हैं github.com पे। तो वो जो एक फीचर कंप्लीट हुआ ना, इस मैसेज में लिखता हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा कि आई हैव क्रिएटेड अ टेक्स्ट फाइल विद सम टेक्स्ट इनसाइड ऑफ इट, ठीक है। ये मैंने एक लंबा सा एक मैसेज लिख दिया।
तो ये मैं अगली कमांड ये वाली चलाऊंगा, ठीक है, ये एक लंबे से मैसेज के साथ, गेट स्पेस कमिट स्पेस माइनस एम स्पेस, और ये स्ट्रिंग के अंदर ये मैसेज पूरा ये। अच्छा, सेकंड कमांड ये वाली आप जैसे ही चलाएंगे तो आपके पास एक एरर आ जाएगा, वो बोलेगा कि भाई आपका जो कॉन्फिग के अंदर ना ईमेल और नेम आपका सेट नहीं है, ये एरर आ जाएगा। अच्छा, वो क्या चक्कर होता है कि जब आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल करते हैं तो उसको ना वो अपना ईमेल बताना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि चेंजेस जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये कमिट की कमांड ना फेल हो जाएगी अगर आपने वो सेट नहीं किया हुआ तो, ठीक है, तो कमिट की कमांड फेल हो जाएगी, तो आप वो सेट कर लेंगे। उसको सेट करने की कमांड है गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम इक्वल्स टू मलिक, ठीक है, एक नेम लिख दिया मैंने और एक मैंने लिख दिया ईमेल इक्वल्स टू मलिक एट सिसबॉर्ड डॉट कॉम, ठीक है। ये कमांड काफ़ी मुश्किल सी है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इससे पहले के सेक्शन में ये अभी पढ़ा है अभी फ़ौरन, ठीक है। वैसे इंटरनेट से एक दफ़ा देख के उसको हम कन्फर्म भी कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने वैसे लिखा है तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इक्वल्स नहीं लगाया हुआ बाय द वे, ये इक्वल्स नहीं लगेगा इसमें, ये बगैर इक्वल्स के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला पेस्ट कर देता हूँ जो इन्होंने लिखा हुआ है, नहीं यार इक्वल्स तो लगता है यार, बगैर इक्वल्स के कैसे बता रहा है ये, नहीं लगा हुआ। वेल गुड यार, मोना एट द रेट ए बी सी डॉट कॉम, ठीक है, कोई भी ईमेल आप यहाँ लिख देंगे, ये कोई सही गलत नहीं होता, मगर वो हर दफ़ा फिर इसी ईमेल से जाएगा, तो मेक श्योर करेंगे कि आप यहाँ पे वो ईमेल लिखें जिस ईमेल से आप गिटहब डॉट कॉम पर साइनअप हुए, ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ी बैलेंस्ड रहेंगी, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने गलत ईमेल लिख दी ना तो आपकी वो कंट्रीब्यूशन भी काउंट नहीं होगी, और दूसरा वो जब गिटहब डॉट कॉम पर आप जाके देखेंगे ना तो वहाँ उस बंदे का नाम लिखा हुआ होगा जिसकी आपने ईमेल लिख दी है, ठीक हो गया। तो ये दो कमांड जो आपने चलानी है, अच्छा ये दो कमांड चलाएंगे तो वो सेट हो जाएगा फिर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको कमिट दोबारा चलाना पड़ेगा, सही है ना, कमिट आपको दोबारा चलाना पड़ेगा। अच्छा, या मे बी फॉर द सेफ साइड आप ये कमांड पहले ही चला लें, कट करके इसको मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पर, कि ये कमांड पहले चला लें तो कमिट आपका फेल होगा ही नहीं, फिर वो सीधा सीधा चल जाएगा, ठीक है। तो ये कमांड क्या कर दिया मैंने, पहले कर दिया। अच्छा, ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये कमांड लिख रहा हूँ जिसमें मैं ये शेयर कर दूंगा आपसे मैं। अच्छा, तीसरी कमांड है एंड फाइनल कमांड जो है वो है गिट पुश, दैट्स इट। ये तीन कमांड लिखते ही ये जो फाइल है ये गिटहब डॉट कॉम पे पहुँच जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अभी जाता हूँ मेरे गिटहब की रिपॉजिटरी में, ठीक है, ये सेक्शन बी की रिपॉजिटरी बनी हुई है, इसमें अभी तक वो कोड नहीं आया है क्योंकि अभी तक ये क्विक सेटअप का ये इंस्ट्रक्शन ही दे रहा है। ये तीन कमांड लिखते ही, अच्छा मैं ये एक दफ़ा सेट कर चुका हूँ तो मुझसे ये दोबारा नहीं पूछेगा कभी भी, सही है। मैं ये कॉन्फिग नेम और कॉन्फिग ईमेल जो है ना ये मैं एक दफ़ा सेट कर चुका हूँ, नहीं ये मैंने तो अपना नाम लिखा है ऑब्वियसली, नहीं तो वो मोना के नाम से फिर जानी शुरू हो जाएगी ना। देखें अभी तो खैर अभी पहुंचा नहीं है, अभी जब पहुंचेगा ना तो वो मेरे नाम से जारी होगी कमेंट, अगर ये मोना लिख दिया ना मैंने तो वो फिर मोना के नाम से जाने लग जाएगी, तो वो डिलीट नहीं होगी, नहीं वो फिर दोबारा कुछ और लिख दें, ऐसे दोबारा कॉपी करें और मलिक चला दें, मलिक हो जाएगा दोबारा, ठीक है। ये कमांड एज इट इज़ चलेगी, जितनी दफ़ा भी चलाते हैं आप, वो जस्ट एक फील्ड है जो मॉडिफाई होती रहती जी, हाँ ओवर राइट हो जाता है, दोबारा चलाएंगे किसी और नाम से वो सेट हो जाएगा। अच्छा, तो मैं सबसे पहले गिट ऐड और स्टेरिक ये चला देता हूँ, मैं आ गया इधर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ क्लियर की कमांड से। अच्छा, ये जो क्लियर की कमांड मैं चला रहा हूँ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ये विंडोज़ के अंदर इसकी कमांड होती है CLS होती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया, तो मैंने चलाया यहाँ पे कमांड चलाई गिट ऐड स्टेरिक, ठीक है, गिट ऐड स्टेरिक और एंटर। अच्छा, गिट ऐड को अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ना कि एक गाड़ी जा रही है पिकनिक पे, पिकनिक पे जाने के लिए गाड़ी तैयार है, अच्छा तो हम कहते हैं कि सारे बच्चों को गाड़ी में भरो जल्दी से, तो ये गिट ऐड स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब है सब,
जितनी भी फाइलें हैं, अभी तो एक ही फाइल है लेकिन जितनी भी फाइलें, तो उसने कहा यार सारी फाइलों को ना गाड़ी में भरो जल्दी से। अच्छा, उसके बाद अगली कमांड गेट कमिट माइनस एम और उसके बाद एक मैसेज। मैसेज में मैं कोई भी बात लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने जो लिख के बताया था मैं एग्जैक्टली ये मैसेज भी लिख सकता हूँ, कोई भी मैसेज मेरा जो दिल करेगा। आई क्रिएटेड अ फाइल, एंटर। ठीक है, लंबा मैसेज भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे ही मैंने ये गिट कमिट की कमांड चलाई तो आपने देखा कोई एरर नहीं आया, क्योंकि वो कॉन्फिग वाला पहले से मेरा हुआ हुआ है, अदरवाइज एरर आता। इसमें लिखा हुआ है कि वन फाइल चेंज 9 insertions, यानी 9 लाइनों का कुछ कोड है इसमें जो इसको पता चला है। क्रिएट मॉड, और ये इसने हैश कैलकुलेट किया इस फाइल का 100644, और माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से कह रहा है कि एक फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है जी, तो ये कमिट हो गया, सही है सेकंड वाला। अच्छा, तो अब ये पहले मैंने कहा गिट ऐड स्टेरिक कि सारे बच्चों को भरो गाड़ी में, ऐड करो। अच्छा, फिर मैंने कमिट का मतलब है कि अब रेडी हो गए, अब गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाए, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब तीसरी कमांड है गिट पुश, और गिट पुश करके एंटर जैसे ही किया ना मैं, तो गाड़ी चल पड़ेगी आगे। सही है, देखें गिट पुश मैंने किया तो इसने कुछ प्रोसेस वगैरह किया है यहाँ पे, कॉम्प्रेसिंग ऑब्जेक्ट और मतलब इसको वेटिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि वो जा रही हैं फाइलें, वो कितनी स्पीड से गई है फाइल, ठीक है ना, 300 KB की स्पीड से गई है। तो फिर उसने बताया कि कहाँ पुश हो रही है, कि टू किधर जा रही है, इस URL पे जा रही है। ठीक है, और उसने कहा कि भाई ये न्यू ब्रांच भी बन गई, इसका नाम मेन है। अब ये सारी चीज़ें अभी आपको फौरी तौर पर समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन डन डन और डन इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा कोड गिट पुश लिखने की वजह से क्या हो गया है, इस रिपोजिटरी में जा चुका है। तो अब हम वापस रिपोजिटरी में अपने जाते हैं और जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि वो कोड यहाँ पे आ चुका होगा, जो एक फ़ाइल मैंने बनाई है। अभी तो टेक्स्ट फाइल है, कोड नहीं है वो, एक्चुअली अभी एक टेक्स्ट फाइल है। इंटरनेट हमारा थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, ये देखें जी, ये मेरे पास क्या आ गया, ये टेक्स्ट फाइल आ गई। ठीक है, और ये देखें मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इस जगह पे वो ये नाम लिखा आता है। ये देखें, ये सारी कमिट्स हैं, वो मैं कमिट में जाऊँगा, फिलहाल अभी एक ही कमिट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि भाई आई क्रिएटेड अ फाइल, ये मैसेज था और ये इन साहब ने कमिट किया। तो इस जगह पे किसी और का नाम भी आ सकता है वो, अगर आपने कॉन्फिग में गलत ईमेल लिख दिया तो। अच्छा, तो यहाँ तक का जो काम है ना इतना, वो हमारा हो गया। ये जो रिपोजिटरी है, अब ये इस रिपोजिटरी में जो भी मैं क्लास के दौरान कोडिंग किया करूँगा ना, कोड स्निपेट लिख के दिखाऊँगा आपको, तो वो मैं इस रिपोजिटरी में पुश भी कर दिया करूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इस रिपोजिटरी में क्या पुश है, ये 3 commands। ठीक है, तो अच्छा, ये रिपोजिटरी कैसे खोलेंगे आप, इसका मैं लिंक आपको भेज देता हूँ, air.sysborg.com। ठीक है, इसका मैंने लिंक कॉपी किया और ये air.sysborg.com पे ASF आपकी क्लास ID है, ASF, एंटर। ठीक है, और ये लिंक यहाँ आ गया, ग्रुप में भी कोई आप में से शेयर कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगला काम आपने क्या करना है कि GitHub में आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जब ये रिपोजिटरी खोलेंगे ना आप मेरे नाम पे क्लिक करके, और यहाँ पे से जो है ना, बल्कि इसी पे ये तो आ रहा होता है, कहाँ गया, हाँ ये स्टार आ रहा होता है ये, तो इस रिपोजिटरी को आप स्टार कर देंगे ना, तो इस रिपोजिटरी में कोई भी एक्टिविटी होगी आपको नोटिफिकेशन वगैरह आया करेगा, तो वो फिर शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो वंस आप स्टार कर देंगे। इसकी मोबाइल ऐप भी होती है, वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा फ़ोन पे अपने, तो वो जब भी मैं कोई कोड पुश करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन, जैसे फेसबुक की आती है ना नोटिफिकेशन, और तो वो आती रहेगी। ठीक है, उसके अलावा मेरे नाम पे क्लिक करके आप अगर चाहें तो मुझे यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास खुद का फॉलो का बटन नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस जगह पे फॉलो का बटन आ रहा होता है, तो आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, फिर मैं कोई भी एक्टिविटी करूँगा पूरे GitHub में तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है जी, तो क्या ख्याल है, ये हो जाएगा? अच्छा, तो बस अभी हमारे पास है टाइम तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा है, तो ये इतना ना सब लोगों ने करना है आज। GitHub पे साइनअप तो सब लोगों ने कर लिया आई थिंक, सही है, जिसने साइनअप नहीं किया वो साइनअप कर ले, और जिसने साइनअप कर लिया है वो उसके आगे का प्रोसेस करें। क्लोन करने के बाद आगे बन नहीं, अभी मैं देख लेता हूँ क्या इशू। चलें जी,